मंजरी पुस्तक से बिहारी के दोहे पढ़ाऊंगी। इस पाठ को दो पार्ट में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बिहारी जी के दोहे, पहले आप संदर्भ लिखेंगे जैसे सेवेंथ में लिखते थे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा आठ के बिहारी के दोहे नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार बिहारी जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पाठ में नीति एवं नीति के दोहों के माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। उन्होंने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद पड़ा बड़ा पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनों गढ़ो न जाए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अर्थात कितना ही यश को प्राप्त क्यों न कर ले, बिना गुणों का वह महान नहीं हो सकता। जैसे कहत धतूरे सो कनक, जिस प्रकार धतूरे को सोना, सो कनक मीन सोना होता है, जिस प्रकार धतूरे को सोना कह देने से, कनक कह देने से उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति कितना प्राप्त कर ले उसे गुणवान नहीं कहा जा सकता। फिर एक बार, बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनों गढ़ो न जाए। जिस प्रकार धतूरे को कनक अर्थात सोना कह देने से उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी यश प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु बिना गुणों का महान नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर्वबाय, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। कविवर कहते हैं कि नदी कुआं तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे या उथले ही हों, लेकिन जिसके द्वारा किसी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाए यानी प्यास शांत हो जाए, वही उस प्यासे व्यक्ति के लिए समुद्र के समान होता है। फिर से, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाय, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। कवि कहते हैं कि नदी कुआं तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले हों, जिसके द्वारा किसी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाए, वही उस व्यक्ति के लिए समुद्र के समान होता है। नेक्स्ट, ओछे बड़े न हो सके लगो सतर हुए गैन, दीर्घ हो ही न कहूँ फार निहारे नैन। ओछे मीन्स छोटे, छोटे कभी भी बड़े नहीं हो सकते। ओछे बड़े न हो सके, छोटे कभी भी बड़े नहीं हो सकते, लगाओ सतर हुए गैन, चाहे वे कितना भी ऐठ कर गगन को छूने की कोशिश क्यों न कर ले, दीर्घ हो ही न कहूँ फार निहारे नैन। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसे कितना भी आंखें फाड़ कर क्यों न देखा जाए। कवि कहते हैं कि छोटे कभी भी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी ऐठ कर अकड़ कर गगन छूने की कोशिश कर लें। छोटी वस्तु उसी प्रकार छोटी वस्तु कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वे कितना भी आँखों को फाड़ फाड़ कर क्यों न देख ले। नेक्स्ट, कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए। कनक कनक, यहाँ दो बार कनक शब्द आया है।
पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना अर्थात स्वर्ण, मादकता नदी मादकता मीन्स नशा। कविवर कहते हैं कि कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, धतूरे की अपेक्षा सोने में सौ गुना अधिक नशा होता है। उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए, क्योंकि धतूरे को खा लेने पर आदमी कुछ समय के लिए पागल हो जाता है। कह रहे हैं धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, जबकि सोना प्राप्त करने पर भी वह पागल, जबकि सोना अगर वो प्राप्त कर ले तो वह जिंदगी भर बौरा जाता है, जिंदगी भर के लिए वह पागल हो जाता है अर्थात उसके अंदर घमंड आ जाता है। फिर से कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए। कविवर कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि धतूरे की अपेक्षा सोने में अर्थात स्वर्ण में सौ गुना अधिक मादकता होती है, अधिक नशा पाया जाता है। उही खाए बौराए जग, क्योंकि धतूरे को खाने पर संसार पागल हो जाता है, इही पाए जग बौराए। और जबकि सोना की प्राप्ति होने पर, स्वर्ण की प्राप्ति होने पर भी वह पागल हो जाता है अर्थात सोना मिलने पर वह घमंडी हो जाता है। बस बच्चों नेक्स्ट, अभी आज अभी फर्स्ट वीडियो में चार पढ़ा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में चार पढ़ा देंगे। इसमें जो भी परेशानी हो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।